गाजा पर कयामत टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में मर गए हैं। गाजा की गली गली में लाशें बिछी हुई हैं। क्या हुआ है गाजा के अंदर जो पूरी दुनिया सिहर उठी है, तस्वीरों के साथ विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी अमेरिका और इसराइल के बीच चल रही रस्सा कशी की। गाजा के अंदर केमशोफ इलाके में हुई खूनी झड़प को लेकर फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा किया है कि इसराइल का 75 करोड़ का एक मरकवा टैंक फोड़ दिया गया है और इसराइल का एक जवान भी मारा गया है। गाजा के अंदर घुसते ही इस खूनी झड़प में इसराइल को हुए नुकसान ने बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन और इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी रिपोर्ट देते हैं। इसराइल के अंदर अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो कि इसराइल डिफेंस फोर्स को अपनी विशेष सलाह भी दे रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र करते हुए इसराइल की मीडिया में यह खबर छपी है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर इसराइल को सलाह दी है कि वो गाजा में घुसने से पहले पुख्ता तैयारी कर लें। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी लगातार जारी है। इसराइल के अंदर कुछ अजीब सी भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर सेना को घुसने की इजाजत दी जाए क्योंकि हमास को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इसराइल की वॉर कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्ष के नेता लैपिड शामिल हैं शायद अभी भी भ्रम की स्थिति में है क्योंकि बाइडेन का संकेत है कि अभी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से इस पर सवाल पूछा तो बाइडेन ने कहा कि वो इस विषय पर इसराइल से बात कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई हो फिर गाजा के अंदर इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करे। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और बाइडेन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हो और अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले बंधकों की रिहाई हो फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को लगता है कि इस तरह बॉर्डर पर लाखों सैनिकों को असमंजस की स्थिति में खड़ा नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर्जी हलेवी ने यहां तक भी कहा है कि गाजा पर कब्जा हम कर लेंगे हालांकि हमें इसके लिए अपने सैनिकों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के अखबारों में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से इसराइल को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भी इसराइल का समर्थन करने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रॉन ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्ला ने युद्ध की गलती की तो इसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल फ्रांस के लोग भी गाजा में बंधक हैं और इसलिए मैक्रॉन भी अपने देश के अंदर राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बंधकों के मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हमास ने कल इसराइल के दो नागरिक रेड क्रॉस को सौंप दिए। इन रिहा किए गए नागरिकों को तेल अवीव लाया गया है और इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल की सरकार ने हमास के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, यानी बंधकों के मुद्दे पर इसराइल की सरकार हमास से कोई वार्ता नहीं कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है ताकि दुनिया से इसराइल पर बातचीत का दबाव बढ़े और एयर स्ट्राइक बंद हो। दूसरी तरफ इसराइल हमास से कोई भी बातचीत को तैयार नहीं है।
इस वक्त इसराइल के सर पर बदले का खून सवार है। गाजा की हालत फिलहाल ये है कि एक दिन में 400 से ज्यादा लोग पहली बार एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 42% गाजा बर्बाद हो गया है, 1,40,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, यानी यहां पर रहने से पहले मरम्मत जरूरी है। वहीं 15,000 फ्लैट्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। गाजा के अंदर खून खराबा जारी है। फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबार आंसुओं से भीगी हुई रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गाजा में जिस तरह की तबाही जारी है, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि वो हजारों टन हथियार भेजकर सिर्फ और सिर्फ नरसंहार में मददगार बन रहा है। امریکا در دو هفته گذشته نشان داده و ثابت کرده با ارسال ده ها و صد ها و هزاران محموله سلاح و حمایت تمام عیار از رژیم صهیونیستی در حال تشدید شدت دامنه نبرد در غزه و در کرانه و بر روی زنان و کودکان و غیر نظامیان فلسطین هست. لذا من مایلم از این تریبون آقای بایدن رو خطاب قرار بدم و بگم آقای بایدن ریاکاری رو متوقف کنید. کئی فلسطینی اخباروں نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے اندر اب تک کے یدھ میں 70ویں دن تک 15,000 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں، 5,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، ان میں 2,000 سے زیادہ بچے ہیں اور 1,100 سے زیادہ مہیلائیں ہیں۔ इसराइल गाजा पर MK-84 बम बरसा रहा है, जो 365 मीटर तक सब कुछ खत्म कर देता है और एक बड़े आग के गोले के साथ जमीन पर फटता है। गाजा की इस तबाही ने पूरी दुनिया को रोला दिया है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किस पर तय होगी? हमास पर, जिसने युद्ध शुरू किया, या फिर इसराइल पर, जो इसे आतंकियों पर बदले की कार्रवाई बता रहा है? From Gaza and the northern cities, from Sagala family. They were sheltering at our home because we thought that our area would be the safest. But apparently it's not. Apparently it's not the safe. There is no safe in Gaza Strip. We are bombing everywhere. So we were hosting them, our relatives. We had maybe more than 100 persons. दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के सामने गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रफा क्रॉसिंग से जो राहत सामग्री आ रही है, वो अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी को राहत पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा गाजा के लोगों के लिए हर दिन कम से कम 100 ट्रक राहत चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दुनिया से मदद की अपील कर रहा है। Is the supply of humanitarian aid. Effectively, we're running out of stocks of water, food, medicines. We are running out of the basics, commodities that we need to serve the population. So what's really now critical is a sustained pipeline of supplies from Egypt into Gaza. That has been a very, very difficult negotiation over a long period. My call is that aid needs to flow. Yes, late last night we got the second convoy in of around 14 trucks. That brings to 34 trucks what we've brought in over 2 days. We need hundreds of trucks coming into Gaza to meet the needs of the population here. अब गाजा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स कब घुसने वाली है। अमेरिका अभी कुछ और वक्त चाहता है ताकि वेस्ट एशिया में मौजूद अपनी मिलिट्री बेस की सुरक्षा को बढ़ा सके। इराक के बाद अब सीरिया में भी अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। इन हमलों ने अमेरिका को मुश्किल में डाला हुआ है और वो जानता है कि जब इजराइल गाजा में घुसेगा तो वेस्ट एशिया के अरब मुल्कों में आग जरूर लगेगी।